पाली पढ़ो भाग सात। यहाँ दरअसल हम आपको सिर्फ पाली को पढ़ना बता रहे हैं, क्योंकि पाली ही हिंदी है और हिंदी ही पाली है। अगर हिंदी में से थोड़े से जो संस्कारित शब्द हैं, जो बाद में जुड़े हैं, शब्द हैं, जैसे शय है, षटकोण वाला शय है, ज्ञानी है, त्रय है, या ऋषि वाला जो ऋषि आता है वो है, या जिसमें जो हलंत लगा हुआ है वो शब्द हैं, या जो आधा रह है, अगर आधा रहने इसमें से निकल जाए, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं। और जैसे एकाध शब्द उसमें से हटाया गया, जैसे ड़े शब्द है, ले और ड़े वाला जो मिला के बनता है, जो सोड़स करके बोलते हैं, वो उसमें जोड़ दिया जाए तो वो पाली ही शुद्ध पुरानी प्राकृतिक भाषा हो जाती है। पाली दरअसल नाम बहुत बाद में पड़ा है, उससे पहले इसके बहुत सारे नाम रहे हैं, जैसे कौसली है, मगधी है, या बुद्ध की भाषा है, या धम्म की भाषा है, या अशोक की भाषा है, या मगध की भाषा है, ये बहुत सारे नाम इसके होते होते होते, और ये वही भाषा जो उस समय बोली जाती थी वही भाषा आज भी बोली जाती है। बोलने वाली भाषा कभी नहीं बदलती, वो थोड़ा 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 मिक्स होकर स्वरूप को बदलती रहती है। तो जो बाहर के शब्द आए, जो बाहर के लोग आए, उन्होंने कुछ शब्द इसमें डाले और वो बदल गई। आज हम इसको हिंदी कहते हैं, हिंदी बड़ा नया नाम है, और पाली जो नाम है वो जब ये दोबारा से डिस्कवर हुई तो उसको पाली बोला गया। आप इसको पाली भी कह सकते हैं, आप इसको हिंदी भी कह सकते हैं। ये देवनागरी जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट वही कह कह गए गए हैं जो देवनागरी है, यानी कि जो नाग लोग थे उन्होंने ये खोजी है, नाग लोगों ने, जो देवनाग थे उन्होंने ये बनाई है, यानी भारत के नाग लोगों की स्क्रिप्ट है। तो यहाँ जो हम आपको सिखा रहे हैं सिर्फ पढ़ना सिखा रहे हैं, क्योंकि आप अगर पढ़ना सीख लेंगे और ये जान लेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदी में और इसमें कोई अंतर नहीं है। इसमें थोड़ा सा पाली के अंदर, क्योंकि शब्द को कई कई शब्दों को मिला के एक एक शब्द बनाया गया है, हैं बड़े सिंपल शब्द हैं और उसके मतलब भी बड़े आसान हैं, आप धीरे धीरे सीखेंगे। ये सातवां भाग है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हर भाग को पढ़ें, हर भाग को बोलें, और हर भाग को अपने बच्चों को कहें कि इसको बोल के रिकॉर्ड करें, और अपनी भाषा में रिकॉर्ड करके चेक करें कि जो मैं बोल रहा हूं उससे वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप मुझसे अच्छा भी बोल सकते हैं, फिर उस रिकॉर्डिंग को वो अपने रिश्तेदारों को भेजें, अपने ग्रुप में भेजें, अपने पारिवारिक ग्रुप में भेजें, या कहीं ऑनलाइन भेजें, या कहीं व्हाट्सएप पे, या फेसबुक पे, या ट्विटर पे इसको डालें और बार बार बोलें। ये दरअसल आपको दिन में दो तीन बार बोलना चाहिए, क्योंकि जो दो तीन चार बार आप बोलेंगे तो आपके मन का शुद्धि होगा, आपको शब्दों का अर्थ समझ में आएगा। जैसे ईसाई लोग हैं वो जो प्रेयर करते हैं सुबह को शाम को, जैसे जो मुसलमान लोग हैं वो पांच बार नमाज पढ़ते हैं, जैसे आपने देखा हो मंदिरों में आरती होती हैं सुबह शाम होती हैं, या वो गाथा कथाएं होती हैं, जैसे सिख लोग हैं वो गुरबाणी करते हैं, रसद करते हैं, ऐसे ही जितने भी जो धार्मिक लोग हैं वो धम्म की भाषा सीखने के लिए इसको बार बार बोलते हैं। तो दिन में कम से कम इसे एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट कीजिए। जब आपके पास समय हो मन में गुनगुनाइए, किसी भी गाने की धुन पर गुनगुनाइए, इसको सीखिए, तो ये पाली आपको हिंदी ही लगेगी, कुछ समय बाद आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। आज जो भाग सात है उसमें हम जो रतनत्य है, उसमें जो संघ है, संघ के गुण क्या हैं, वो इसमें पाली भाषा में मैं आपको पढ़ के सिखाऊंगा और आपको पढ़ के बोलना है। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजु पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, यदि दंग चत्तारी पुरिस युगानी, अठ पुरिस उगला ऐस भगवतो सावक संघो, आहु नेयो पाहु नेयो दक्षिणे यो अंजलि करणियो, अनुत्तरं पुण्य खेतं लोकिस्सा पी। फिर मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूं। इसमें जो आहू नेओ शब्द है इसको आहू उड़ेओ भी पढ़ते हैं, यानी ने और ने पुराने समय में जैसे सामनेर बोला जाता था तो सामनेर को सामनेर भी बोलते हैं, ड़े को ने भी बोलते हैं, अधिकतर केसों में अब ड़े को ने ही बोलते हैं। जैसे आप अगर देखेंगे ध्यान से तो सामनेर का सामनेर कर दिया है,
या जो समण शब्द था उसको समन कर दिया है। तो ये जैसे जो वमन शब्द था पाली के अंदर उसको वमन कर दिया है। वम माने उल्टी होती है, तो सम माने समानता पर आधारित होता है। तो ऐसे ही कई बार मन को मण भी बोलते हैं, खासतौर से हरियाणा में और राजस्थान के अंदर आज भी पुरानी पाला का जो पुरानी पाली है, पुरानी भाषा है, पुरानी जो मगधी है उसका ण चलता है। हरियाणा जैसे बोला है, ये हरियाणा शब्द है, इसको हरियाणा बोलते हैं, हरियाणा या हरियाणा। तो इस तरह से ण और ने में कोई खास अंतर यहाँ है नहीं। मैं दोबारा से इसको पढ़ता हूँ, कई के शब्द से मिलके एक शब्द बना हुआ है, मैं उनको तोड़ तोड़ के पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुने। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदि दंग चत्तारी पुरिस युगानी अठ पुरिस उगला एस भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणेयो अनुतरं पुञ्य खेतं लोक इस्सापि। इसको अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो ये इस प्रकार आता है, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदि दंग चत्तारी पुरिस युगानी अट्ठ पुरिस पुगल्ला ऐस भगवतो सावक संघो आहूण्यो पाहूण्यो दक्षिण्यो अंजलि करण्यो अनुत्तरं पुञ्यखेतं लोकिस्साति। इस तरह से ये संघ की जो गुणगान है, ये संघ के गुणगान पूरे बताए गए हैं। इसमें अगर हम एक एक शब्द का मतलब समझना चाहें तो बहुत आसान है, बहुत सरल है, और इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा इसको समझ सकता है। सुपटिपन्नो का मतलब है जब पटिपन्न लग जाए, पन्न माने पटी माने होता है प्रति, और पन्न माने होता है उत्पन्न होना एक तरह से, या गो डाउन यानी कि जो डाउन होना है। बेसिकली पटिपन्न का मतलब है, प्रतिपन्न का मतलब है ऊपर चढ़ना। इसको अगर हम भगवान बुद्ध की भाषा में कहें तो प्रति उत्पन्न शब्द है ये। प्रति उत्पन्न का मतलब है कि हर चीज आगे बढ़ रही है, यानी कि कोई घटना आप घटी है, उससे दूसरी घटना घसी है, उससे तीसरी घटना, ये घटना वापस नहीं जाती। एक बार अगर समुद्र में कोई लहर आ गई तो वो लहर वापस नहीं जाती, वो आगे जाके टूटे खत्म होगी फिर नहीं आएगी। तो वो आरूढ़ हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। प्रति क्षण टाइम के हिसाब से घटनाएं आगे बढ़ रही हैं, पीछे नहीं हो रही हैं। तो उसको पाली के अंदर पटिपन्न बोलते हैं, यानी प्रति उत्पन्न बोलते हैं, पटिपन्न बोलते हैं, यानी आरूढ़ हो रही है। तो यहाँ पटिपन्न शब्द बहुत बार बार है, इसका मतलब है आरूढ़ हो रहा है, यानी कि ये ऐसा है, यानी कि ये ऐसा है। कैसा है? सुपटिपन्नो, सुपटिपन्नो का मतलब है कि ये बहुत अच्छा सुमार्ग पर आरुण है। इसको आरुण को बोलते हैं, अच्छे मार्ग पर आरुण है। सुपटिपन्न का मतलब है सु माने अच्छा, पटिपन्न माने आरुण, यानी बहुत अच्छा आगे बढ़ने वाला है। यानी कि ये कैसा संघ है? बहुत अच्छा आगे बढ़ने वाला है, सुपटिपन्नो। और जब इसको कहते हैं भगवता सावक संघो, तो भगवता का मतलब है, या भगवतो का मतलब है, भगवतो का मतलब है एक भगवान का, और भगवता का मतलब है बहुत सारे भगवान बुद्ध का। क्योंकि यहाँ एक की बात हो रही है इसलिए भगवतो बोलेंगे, भगवतो सावक संघो। तो भगवतो का मतलब है भगवान बुद्ध का, और सावक माने होता है शिष्य, और संघ माने होता है जो इकट्ठे लोग रहते हैं, उसको संघ बोलते हैं। तो कैसा है? अच्छे मार्ग पर चलने वाला भगवान बुद्ध का सावक संघ है, शिष्यों का संघ है। ये पहली लाइन का मतलब है सुपटिपन्नो सावक संघो। उजुपटिपन्नो सावक संघो, उजुपटिपन्नो सावक संघो का मतलब है, उजु माने होता है सीधा सरल, उजु रास्ता कहते हैं ना, कहते हैं ये उजु रेखा है, इसको संस्कृत भाषा में कहते हैं ऋजु रेखा है,
यानी उजू, उजू जो पाली का शब्द है बाद में ऋजु बना दिया। अब रे ऋषि वाला तो पाली में होता नहीं, ये पुरानी प्राकृतिक भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है, तो इसमें उजू शब्द है। उजू पटी पन्नों का मतलब है सीधा सरल मार्ग पर आरुण बढ़ने वाला, यानी कि सीधा सरल है जो मार्ग पर आगे बढ़ता है। भगवतो सावक संघो, भगवतो का मतलब है भगवान का, सावक संघों का मतलब है जो उनका शिष्यों का संघ है। फिर आता है याय पटी पन्नो भगवतो सावक संघो। याय पटी पन्नो का मतलब है, याय माने होता है न्याय और विधि, यानी न्याय और विधि पे चलने वाला, उस मार्ग पे आरूढ़ रहने वाला, उस मार्ग पे पढ़ने वाला भगवान का सावक संघ है। याय पटी पन्नो भगवतो सावक संघो। फिर आता है सामीची पटी पन्नो सावक संघो। सामीची माने होता है उचित मार्ग पर, यानी राइट वे पर है, यानी रॉन्ग पर नहीं है। भगवान बुद्ध की एक खास बात है, भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में राइट शब्द बहुत इस्तेमाल किया है, जिसको सम्मा बोलते हैं पाली में और संस्कृत भाषा में सम्यक बोलते हैं और इंग्लिश में राइट, यानी हर चीज के पीछे उन्होंने आगे सम्यक लगाया है या सम्मा लगाया। जैसे वो सम्मा सम बुद्ध थे, यानी सही थे, सम्मा ने पूरे थे और बुद्ध थे, ऐसे ही उन्होंने जो सम्यक मार्ग दिया है, जो सम्यक दृष्टि है या सम्यक जो आजीविका है या सम्यक वीर्य है या सम्यक जो भी समाधि है, उन्होंने सम्यक शब्द अष्टांगिक मार्ग पे आठ जो चीजें बताई उनमें सब में सम्यक शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी वो गलत भी हो सकती है, उन्होंने गलत छोड़ दिया है, सम्यक ही लिया है सही। तो कैसा है सामीची पटी पन्नो, यानी कि सही मार्ग पर बढ़ने वाला। यदि दंग चत्तारी पुरुष युगानी। यदि दंग का मतलब है जो यह है, चत्तारी मतलब चार, और पुरुष माने जो व्यक्ति हैं, और युगानी माने युग्म, यानी कि यह है चार पुरुष का, यानी नर और नारी का जोड़ा है। पुरुष जो बोलते हैं वो नर और नारी दोनों को बोलते हैं, तो चार पुरुष और चार नारियों का ये जोड़ा है, आठ इसमें व्यक्ति हो गए। तो क्या कहता है, अट पुरुष पुगल्ला, यानी पुगल्ला जो बोलते हैं वो व्यक्ति को बोलते हैं, और पुरुष माने नर और नारी, यानी आठ इसमें नर नारी हैं व्यक्तिगत रूप से अलग अलग। तो कैसे हैं चार, तो इसके अंदर भिक्कुनी वो हैं जिन्होंने एक गुण ले रखा है, चार भिक्कु एक हैं, यानी कि जो भिक्कु संघ है वो पूरा पूरा, उसमें कुछ सोतापन्न है, कुछ उसमें सकदागामी है, कुछ उसमें अनागामी है, और कुछ उसमें अर्थ हैं, यानी भिक्कुओं में भी चार प्रकार से हैं और भिक्कुणियों में भी चार प्रकार से हैं। भिक्कुणियों में भी कुछ सोतापन है, कुछ सकदागामी है, कुछ अनागामी है, कुछ अर्थ हैं। तो ऐसे ऐसे चार जोड़े हो गए, और चार जोड़ों के वो आठ पुगल्ला हो गए, यानी आठ व्यक्ति हो गए। तो ये जितना भी भिक्कु सावक संघ है इसमें आठ तरह के लोग मिलते हैं, या तो कोई भिक्कुणी होगी वो सकदागामी होगी या अनागामी होगी या सोतापन्न होगी या अर्थ होगी, या कोई भिक्कुणी होगा भिक्कु होगा तो वो सोतापन्न होगा, सकदागामी होगा, अनागामी होगा या अर्थ होगा, इन आठों में से, और नौवा कोई नहीं मिलता। नौवे तो भगवान बुद्ध थे, जो बुद्ध थे और जो बोधि को प्राप्त कर चुके थे, बाकी भिक्कु संघ में आठ ही प्रकार थे। तो यदि दंग चत्तारी पुरुष युगानी अट पुरुष पुगल्ला, यानी यह जो है इसमें चार तरह के व्यक्ति हैं और उनका युग्म है जोड़ा है, जो आठ टोटल व्यक्ति हैं, यानी कि आठ हैं उनके जोड़े चार हैं और इस प्रकार के वो हैं। एस, एस का मतलब यही है, क्या है यह है? भगवतो सावक संघो, यानी यही है भगवान बुद्ध का शिष्यों का संग, सावक संग। आहुनेओ, आहुनेओ और आहुयेओ, यानी आहुनेओ भी बोलते हैं और आहुनेओ भी बोलते हैं, दोनों शब्द चलते हैं, इसलिए आप आहुनेओ भी बोल सकते हो और आहुनेओ भी बोल सकते हो। आहुनेओ का मतलब है ये बुलावे के योग्य है, यानी आहुन आहुन करने योग्य है। आहुन का मतलब है बुलावा देना या किसी को बुलाना, यानी आप जब किसी को बुलाते हैं, जब बुलावा देते हैं तो उसको बोलते हैं हरण करना, यानी आहुने माने होता है आहरण करना, हरण करने का मतलब है हरण बोलते हैं इसको। आहुने का मतलब है आहुन हो गया, आहुन से हरण बना है या हरण बना है। हरण का मतलब है ले जाने योग्य है, कहाँ ले जाने योग्य, बुलाने योग्य है, अपने यहाँ कार्यक्रम के लिए बुलाने योग्य है, दान के लिए या भोजन के लिए बुलाने योग्य है, तो आहुनेओ है, इसको बुलाया जा सकता है। और पाहुनेओ, पाहुनेओ का मतलब है पूरी तरह से बुलावे के योग्य है। पाहुन यानी पे माने पूरा, और आहुन माने होता है आहरण, यानी कि बुलाने के लिए, लाने के लिए पूरी तरह से योग्य है। तो पहली बार में वो कहते हैं कि ये बुलाने के योग्य है, और दोबारा से कहते हैं कि पूरी तरह से बुलाने के योग्य है, कंप्लीट भरोसा आप कर सकते हैं। दक्षिणेओ, दक्षिणेओ का मतलब जो आम भाषा में लोगों लगाते हैं दक्षिणेओ या दक्षिणेओ, इसको बोलते हैं कि दक्षिणा देने के योग्य है। बेसिकली
भगवान बुद्ध का सावक संघ में कहीं कोई दक्षिणा, जो आज के समय की दक्षिणा है ना, जिसको कहते हैं कि कोई आपके यहाँ साधु बाबा संत आया तो वो दक्षिणा मांगता है, दक्षिणा दे ही, तो वो दक्षिणा में आप उसे आटा पैसा कुछ भी दो। भगवान बुद्ध का सावक संघ कभी भी दक्षिणा नहीं मांगता। इसलिए जो ये जो शब्द है दक्षिणेयो या दक्षिणेयो, इसके दो मतलब है। एक तो है इसका दिशा से मतलब होता है, डायरेक्शन से दक्षिण दिशा हो गई, मगर यहाँ दक्षिण दिशा से मतलब नहीं है। दक्षिणेयो का मतलब होता है देखने योग्य, यानी दर्शन के योग्य है। यानी कि ये इतना अच्छा सावक संघ है कि आपका मन अगर खराब है आप इसको देखेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। ये बहुत शांत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, देखने योग्य हैं, इनका दर्शन करके ही आपको लाभ होगा। जैसे आप बहुत परेशानी में हो और आप परेशानी में होते और आपके पास कोई खराब व्यक्ति आ जाए तो आपकी परेशानी और बढ़ जाती है और आप बहुत ज्यादा परेशान है, मन आपका उदय। और कोई आपका बहुत अच्छा मित्र आ जाए, कोई बहुत बढ़िया ऐसा मित्र आ जाए जिससे आप मन की बातें करते हो, कोई सच्चा व्यक्ति आ जाए, कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपकी मदद करता हो, कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो पाप नहीं करता पुण्य पुण्य करता है, तो उसे देख के बड़ी राहत और शांति होती है, उससे अपनी मन की बात कहते हैं। ऐसा ये सावक संघ है, दक्षिणी योग है, यानी इसके दर्शन करने योग्य है, आप इसके दर्शन कर सकते हैं। अंजलि करणियों, अंजलि करणियों का मतलब है कि हाथ जोड़ के सत्कार करने योग्य है, स्वागत करने योग्य है, आप उनका हाथ जोड़ के स्वागत कर सकते हैं, वो इस लायक हैं, इतने योग्य हैं। अनुत्तरंग, अनुत्तरंग का मतलब है कि इनके मुकाबले में कोई इनका उत्तर नहीं है, ये लाजवाब हैं, ये सबसे बेहतरीन हैं, सबसे बढ़िया हैं, इनका कोई उत्तर नहीं है, ये अनुत्तरंग हैं। पुण्य खेतंग, पुण्य खेतंग का मतलब है कि पुण्य का खेत है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाली के अंदर जो भगवान बुद्ध हैं वो खेतिया हैं, तो वो खेत पे काम करते हैं, क्षेत्र में काम नहीं करते, ना वो क्षत्रिय हैं, वो खेती हैं, खेत में काम करते हैं। वही शब्द यहाँ आया हुआ है, पुण्य खेतंग, यानी पुण्य का खेत। यहाँ पुण्य क्षेत्र नहीं बोला गया है, पुण्य, क्योंकि क्षेत्र शब्द तो पाली में है ही नहीं, तो पुण्य खेतंग है, यानी कि पुण्य का खेत है। किसके लिए है? लोकिसाती, लोकिसाती मतलब लोगों के लिए, लोगों के लिए पुण्य का खेत है। यानी ये जो सावक संघ है इसके दर्शन करोगे तो आपको पुण्य ही पुण्य मिलेगा। ये पूरा सावक संघ जितने भी भिक्खु हैं ये तो खेत है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र है और सब बहुत पुण्य से भरे हुए हैं, आप इसका फायदा उठा सकते हो। और बाद में जो ती आता है, ती का मतलब है ऐसा ये भिक्खु संघ बताया जाता है या ऐसा ये भिक्खु संघ है, इसको इति बोलते हैं, वाक्य की समाप्ति बात है। तो ये है पूरा संघो, मैंने रत्नत्रय के आपको तीनों पाठ बताए हैं, जो पांचवें और छह में और सात में है। पांच में मैंने आपको बुद्धो बताया है, छह में मैंने आपको धम्मो बताया है और सात में आपको संघो बताया है। ये जब भगवान बुद्ध की आप वंदना करेंगे, धम्म की और संघ की वंदना करेंगे, उसके ये पहले हिस्से हैं जो उसमें काम आते हैं। ये हर एक व्यक्ति को जो भारत में रहता है उसको याद होने चाहिए, क्योंकि ये गुणवाचक हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इनको याद करते हैं तो मन में एक तसल्ली सी आती है। बच्चों को तो सुबह शाम गाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और सुबह शाम इसको गाने से मन में पुण्य खेतंग होते हैं, पुण्य का खेत लहराता है और बहुत बढ़िया भावना आती है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.